क्या आपके मोमोज भी घर पे अच्छे नहीं बनते, क्या उनका शेप अच्छा नहीं बनता, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे मोमोज की एकदम सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ कि आप इसे घर पे आसानी से बना सकेंगे और इसके शेप भी आप अच्छे से दे सकेंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने एक पत्ता गोभी ली है, ये करीबन 500 ग्राम जितनी पत्ता गोभी है। इसे मैंने एकदम बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैंने एक गाजर को भी मैंने इसमें छोटा छोटा चॉप करके ऐड किया है। अब इसमें मैंने एक मुट्ठी जितना मकई के दानों को ऐड किया है। अब इसमें मैंने दो कैप्सिकम को भी अच्छे से छोटा छोटा चॉप कर लिया है और वो इसमें मैंने ऐड किया है। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज के ओनियन को भी अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड किया है। सभी सब्जियों को हमें बारीक ही रखना है और सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अब इसे हमें करीबन आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है जब तक हम हमारे डो को रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए हमें एक कप जितना ही मैदा इसमें ऐड करना है। मैंने इसमें दो कप जितना मैदा लिया है, आप एक कप जितना ही इसमें लीजिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है और इसे गुनगुने पानी से हमें इसका एक डो रेडी करना है। हमें इसे गुनगुने पानी से ही गूंदना है। अब इसमें हमें एक छोटा चम्मच जितना तेल ऐड करके इसे अच्छे से हमें मसलना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छा रहे। हमें इसे बहुत ना ही तो कड़क और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। हमें कुछ इस तरह इसका डो रेडी करना है। अब इसे भी हमें सेट करने एक साइड रख देना है। अब हमने जो सब्जी में नमक डाला था उसमें से काफी सारा पानी छूटा है। अब उसे निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह पतला कपड़ा लेना है और एक डिश के ऊपर कुछ इस तरह हमें उसे रखना है। अब हमें सभी सब्जियों को इसके ऊपर कुछ इस तरह डालना है। अब इन सब्जियों में जो भी पानी छूटा है उसे कुछ हमें इस तरह निकालना है। हमें सभी सब्जियों में से पानी को निकाल देना है। हमें सब्जियों को एकदम ड्राई कर देना है। देखिए, हमें कुछ इस तरह इसमें से पानी को निकालना है। जब सब पानी निकल जाए फिर से हमें इस सब्जी को एक बाउल में ले लेना है। हमें सब्जी को एकदम ड्राई करना है, उसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरह एकदम सब्जी ड्राई होनी चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगा तो इसमें से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें हम सब मसालों को ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने दो जितनी मैंने हरी मिर्च ली है उसे कुछ मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। एक चम्मच जितना मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक इसमें ऐड किया है। 4 से 5 कली मैंने लहसुन की लेके उसे भी चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैंने चीज़ को कद्दूकस करके ऐड किया है। मैंने इसमें 2 चीज़ ली है। आप चीज़ की जगह पनीर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर चीज़ का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हमें नमक को ऐड करना है। हमने पहले नमक ज़्यादा डाला था इसलिए अब हम थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच जितना काला मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना ऑर्गेनो, 1 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स। अब हमें इसमें 4 चम्मच जितना हमें इसमें मेल्टेड बटर ऐड करना है। अगर आपका बटर मेल्टेड नहीं होगा तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसलिए आप मेल्टेड बटर ही इसमें यूज़ कीजिए। और बटर तो खास करके इसमें डालिए, उससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा स्टफिंग ऐसा रेडी होना चाहिए कि हम इसे बाइंड करें तो ये अच्छे से बाइंड भी हो सके। देखिए, कुछ इस तरह हमें इसका ये स्टफिंग को रेडी करना है।
अब हमने जो डो रेडी किया था उसे हम चेक कर लेते हैं कि वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं। देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही। एक बार हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। हमें कुछ इस तरह ही इसे मसलना है, हमें पहले इसे स्ट्रेच करना है, फिर वापस अपनी ओर इसे खींचना है। अब ये मैंने ज़्यादा आटा बांधा था इसलिए इसमें से मैं आधा ही डो इसे यूज़ करूँगी और आधा डो रख दूँगी मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अब इसकी हम छोटी छोटी एकदम लुइयां बनाएंगे। हम जिस तरह पूरी की लुइयां बनाते हैं उसी तरह हमें इसकी भी छोटी छोटी लुइयां बनानी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदे का कोरा आटा ला लेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब इसे हम एक डिश में ले लेंगे और एक एक करके हम पूरियों को बेलेंगे। हमें इसकी पूरियां एकदम पतली बेलनी है, हमें थोड़ी भी मोटी इसी की पूरी नहीं बेलनी है और इसकी जो किनार होती है वो हमें एकदम पतली ही रखनी है। देखिए कुछ इस तरह हमें एकदम पतली पूरियों को बेलना है। मैं आज आपको दो शेप बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वो शेप इसमें बना सकते हैं। अब हमें जो स्टफिंग जो हमने रेडी किया था उसे कुछ इस तरह बीच में रखना है। अब इसके चारों ओर हमें पानी या तेल जो आप लगाना चाहें वो इसमें लगा सकते हैं और कुछ इस तरह हमें पहला शेप देना है। देखिए ये मैं आपको मोमोज का पहला शेप बता रही हूँ। कुछ इस तरह हमें इस तरह हाफ फोल्ड कर देना है और इसे अच्छे से हमें चिपकाना है। अब दोनों साइड को इस तरह पकड़ते हुए हमें कुछ इस तरह इसे फोल्ड करना है। ये मोमोज का बहुत कॉमन शेप है, आप किसी भी शेप का इसे बना सकते हैं। अभी मैं मोमोज को जो मुझे इजी लगता है वो शेप मैं आपको बताती हूँ। आप इस शेप से बनाएंगे तो आपके मोमोज सही में बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। कुछ इस तरह हमें पूरी को एक साइड से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते जाना है। देखिए कुछ इस तरह हमें इसे फोल्ड करना है, हमें इसे 5 से 6 फोल्ड करना है वो भी ओवरलैप करते हुए। बाकी जो बचे उसे कुछ हमें इस तरह चिपका देना है। देखिए ये कितना अच्छा शेप बनता है। अभी मैं आपको एक बार और बताती हूँ, हमें एक साइड से कुछ इस तरह फोल्ड करते जाना है। एक साइड हमें पकड़ना है और इसे अच्छे से फोल्ड करना है कुछ इस तरह। अभी इसी के ऊपर हमें दूसरा भी फोल्ड चिपकाना है। देखिए कुछ इस तरह, इस तरह हमें सारे फोल्ड 5 से 6 फोल्ड हमें इसके करने हैं। अगर आपकी पूरी बड़ी है तो 6 से 7 फोल्ड भी इसमें आ सकते हैं। अब जो साइड बचे उसे हमें कुछ इस तरह चिपकाना है, फोल्ड की साइड और जो फोल्ड नहीं है वो साइड। और देखिए कितने अच्छे मोमोज बन के रेडी है। आप इस तरह इजीली सभी मोमोज को बना सकते हैं। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने कुछ इस तरह पानी को गर्म करके एक डिश रखी है उसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तेल लगाना है। अब सभी मोमोज को हमें इसके ऊपर सेट कर देना है। आप मोमोज कचौरी के शेप के भी बना सकते हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं। अब हम सभी मोमोज को इसके ऊपर सेट करेंगे। हमें 5 से 6 या 7 मोमोज से ज़्यादा इसमें नहीं रखने, क्योंकि मोमोज जब बॉईल होते हैं तो वो फूलते हैं। अब हमें मोमोज को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। देखिए 10 मिनट के बाद हमारे मोमोज अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से मेल्टेड बटर लगाएंगे। ये मेल्टेड बटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बटर लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। अब हम मोमोज के साथ खाने वाली चटनियों को भी रेडी करेंगे, वो भी एकदम इजी वे में। मैं आपको घर में ही पड़े सॉसों से एक इतनी मस्त चटनी बताऊंगी और वो भी इंस्टेंट। हमें आधा कप जितना टोमेटो सॉस लेना है। अब इसमें हमें 2 से 3 चम्मच जितना हमें इसमें सेजवान सॉस ऐड करना है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें सेजवान सॉस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमें आधा कप जितना हमें इसमें मेयोनीज ऐड करना है। अगर आप मेयोनीज कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच जितना ही ऐड कीजिए। अब इसमें हमें 1 चम्मच जितना ऑर्गेनो
एक चम्मच जितना काला मिर्च पाउडर, एक चम्मच जितना चिली फ्लेक्स और इसमें अब हम 2 से 3 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर 4 से 5 चम्मच भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। अगर आप एकदम तीखी चटनी खाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और देखिए रेडी है हमारी इंस्टेंट मोमोज की चटनी। ये मोमोज की चटनी को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको इतना मस्त टेस्ट आने वाला है कि आप बाहर की चटनी भी भूल जाएंगे। और रेडी है हमारे मोमोज विद चटनी। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।